कभी कभी मैं ऐसा होता है कि कुछ गाना मैंने सुना लेकिन उसका मीनिंग बाद में मुझे रियलाइज होता है कि नहीं नहीं ये नहीं वो था। जैसे एक गाना है गोरी तेरे अंग अंग में रूप रंग के सजे हुए हैं कल से, तो मुझे पहले लगता था कि यस्टरडे से बोल रहा हूँ कल से, लेकिन हाँ। वो एक्चुअली कल से की बात कर रहा है, वो घड़ों की। हेलो एंड वेलकम टू चलचित्र टॉक्स, मेरा नाम हिंदोल है और आज के एपिसोड में मैंने बात की शारिब हाशमी से। शारिब एक एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हैं हु इज नोन फॉर हिज परफॉर्मेंसेस इन शोज एंड फिल्म्स लाइक द फैमिली मैन, असुर, स्कैम 1992 एंड फिल्मिस्तान। रिसेंटली ही ऑल्सो लेंट हिज वॉइस टू द स्पॉटिफाई ओरिजिनल सीरीज बैटमैन एक चक्रव्यूह। आज के इस एपिसोड में मैंने शारिब से ढेर सारी रिकमेंडेशंस ली उनकी फेवरेट मूवीज, शोज और म्यूजिक के बारे में। सो लेट्स जंप राइट इन टू द कॉन्वर्सेशन आई हैड विद शारिब। हेलो शारिब, वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। हाय इंदौर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। थैंक यू जी। तो हम काफी टाइम से चाह रहे थे आपको इनवाइट करना, एंड बिफोर वी बिगिन एक बहुत छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो ये मेरी जीवन की कहानी है। तो जून 2014 में मेरे दोस्त और मैं फिल्म देखने गए थे। तो हम हमशक्ल देखने गए थे क्योंकि हम देखना चाहते थे कितनी बुरी हो सकती है। तो हम गए काउंटर पे और पीवीआर में गए, और टिकट काउंटर पे जब हमने बोला कि हम हमशक्ल देखना है तो जो काउंटर पे स्टाफ था उन्होंने हमें बोला कि एक दूसरी फिल्म है, एक ही शो चल रहा है उसका और सिर्फ दो सीट बची, दो सीट भर जाएंगी तो हाउसफुल हो जाएगा, तो आप ये देखेंगे क्या, और अच्छी फिल्म है। तो हमने उस पर भरोसा किया और हमने वो दो सीट खरीद ली बिना ये जाने कि फिल्म किस बारे में है, क्या है। हमें सिर्फ पता था हिंदी फिल्म, और जो फिल्म हमने देखी वो थी फिल्मिस्तान। इट वाज वन ऑफ द फनीएस्ट फिल्म्स दैट वी सॉ, और आज भी मेरा दोस्त कभी कभी व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करता है कि रजिया मैं आ गया। तो काफी इंपॉर्टेंट फिल्म है ये हमारे लिए, तो थैंक यू फॉर गिविंग अस फिल्मिस्तान। तो फिल्मिस्तान से ही शुरू करते हैं। तो व्हाट वाज द जर्नी दैट लेड टू फिल्मिस्तान? फिल्मिस्तान असल में मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, मतलब सबसे ज्यादा करीब तो कह सकता हूं, क्योंकि मैं 3 साल तक ऑडिशन देने के बाद, पहले तो अपनी नौकरी छोड़ी मैंने एक काफी लेट और डिसाइड किया कि एक्टिंग करनी है, फिर उसके बाद 3 साल ऑडिशन दिए, उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ, तो मैंने फिर से नौकरी कर ली थी बिंदास में, तब मैं नौकरी कर रहा था। और उस दौरान नितिन जो फिल्मिस्तान के राइटर डायरेक्टर हैं तो वो फिल्मिस्तान की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, और मैं जब मेरे ऑफिस छूट जाता था तो शाम को मैं उनके घर जाता था और हम थोड़ा स्क्रिप्ट पे डिस्कस करते थे, और इस तरीके से उस पर थोड़ा काम चल रहा था। और पहली बार जब नितिन ने मुझे कहानी सुनाई थी मुझे बहुत बहुत पसंद आई थी, यार ये तो बहुत, इसमें बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, और एक सिर्फ खाली हंसाने वाली चीज नहीं है, काफी कुछ और भी हम इसके साथ में कह सकते हैं। काम चल रहा था उस पर, और फिर एक दिन नितिन मुझे ने कहा कि ये इस रोल में तू बड़ा फिट बैठेगा। तो मुझे थोड़ा उस वक्त वो लगा था कि कहाँ ये अपनी पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर बना रहा है और उसमें वो मुझे मेन लीड क्यों कास्ट करेगा। तो वो तब तो मैंने हंसी में डाल दी थी बात। फिर उसके बाद नितिन को एक प्रोड्यूसर मिल गया और उन्होंने मुझे ऑडिशन देने के लिए कहा, और थैंकफुली ऑडिशन सबको अच्छा लगा और इस तरीके से फिल्मिस्तान में मेरी एंट्री हुई। और मतलब मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि वो फिल्म अपने आप में खुद इतनी प्यारी फिल्म है, जिससे मतलब काफी सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में हम लेकर गए, नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट हिंदी फिल्म का, और उसका मैं एक मतलब अहम हिस्सा हूँ, तो वो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ज्यादा नितिन कक्कर का। And फिल्मिस्तान जिस तरह की फिल्म है, like it's a film about movies and the love for cinema. तो ये फिल्म भी कोई ऐसा ही इंसान लिख सकता है जिसे फिल्मों से बहुत ज्यादा प्यार हो, right? तो वहीं से शुरू करते हैं कि आपकी कौन सी वो फिल्में थी which kind of led you to write a film like this? देखिए लिखी तो नितिन ने ही है, और ये फिल्म लव फॉर सिनेमा जो है वो तो बहुत अंदर टूट टूट के भरा है बचपन से, मेरे में भी और नितिन में भी, और वो हमने अपना सारा प्यार फिल्मिस्तान में उड़ेल दिया था। इनफैक्ट हमारी दोस्ती की सबसे जो मतलब क्या कहेंगे उसको, जो बीज जिस चीज ने बोया था हमारी दोस्ती का वो फिल्में थी, और वो फिल्मों के लिए प्यार था।
और हम साथ में काफी फिल्में देखा करते थे, इंटरनेशनल सिनेमा, हिंदी फिल्में, रीजनल फिल्में, और सोचते थे कि मिलकर में भी कुछ बनाएंगे अच्छा। और जब फिल्मिस्तान की कहानी नितिन ने सुनाई तो मैंने तो सिर्फ डायलॉग्स लिखे हैं फिल्म के, एकदम करेक्ट टाइम था और मतलब मौका था अपना फिल्मों के प्रति प्यार जो है वो दिखाने का, लोगों तक पहुंचाने का। कौन सी पहली फिल्म थी जो आपको याद है अपने थिएटर में देखी हो? जो मुझे याद है मैंने जो थिएटर में देखी हो, आई थिंक वो शोले थी, क्योंकि शोले कई बार रिपीट रन में भी आती थी, मैंने मतलब जब रिलीज हुई थी तब मैंने नहीं देखी थी, तब मैं पैदा नहीं हुआ था। और जो मैं सबसे पहले मेरी फैमिली मुझे थिएटर में लेकर गई थी देखने के लिए, वो थी कभी कभी, लेकिन तब मैं 6-7 महीने का था तो वो मुझे कुछ याद नहीं उसके बारे में। बट हाँ, और अगर आप एक फिल्म का नाम अगर लेना मतलब मुझे कहेंगे कि मैं एक से एक एक फिल्म का नाम लूं, मैं कहूंगा आनंद। फिल्मिस्तान का सनी अरोरा जो है, मैंने उसको मतलब आनंद को ट्रिब्यूट मेरी तरफ से उसको आप समझ सकते हैं, मेरी मेरी फिल्मिस्तान। जी, दोनों को तो काफी मैं, करीब रखा है आपने। हाँ, क्योंकि ये दोनों ही मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, जी। तो मैं मतलब आनंद कितनी बार भी देख सकता हूँ, उसके गाने, उसकी कहानी, उसके किरदार सारे, ऋषिकेश मुखर्जी साहब जो भी फिल्म बनाते थे मतलब वो उसमें जो एक मतलब जो वो बात कहते थे और वो इतनी सरलता के साथ कहते थे बड़ी बड़ी बातें, वो उस मतलब आज तक कोई उस चीज को मुझे नहीं लगता कि कोई उसे रेप्लिकेट कर पाया है, या मतलब उस तरीके से किसी ने उस सिनेमा को अप्रोच भी किया है। उस दौर पीरियड की कोई ऐसी फिल्म है जो आपको बहुत पसंद है पर लोगों ने उसे उतना डिस्कवर ना किया हो, ऐसी कोई फिल्म है आपकी? और सत्य भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आज पता नहीं कितने लोग उसे जानते हैं, मेरे ख्याल से तो जानते हैं जो जो फिल्म लवर्स हैं वो तो जरूर जानते होंगे, लेकिन अगर जिन्हें नहीं पता है प्लीज प्लीज वो फिल्म देखिए, अर्ध सत्य, बहुत बहुत ही हार्ड हिटिंग और बहुत कमाल की फिल्म बनाई है। आप बोले कि मुझे यार आपको कौन सा कैरेक्टर प्ले करना है, तो मुझे वो अनंत वेलणकर जो ओमपुरी साहब ने अर्ध सत्य में किया है ना, वो मतलब मेरे मतलब सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स में से। सत्य में एक सीन है जब वो दिन में पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं शराब पीकर, ड्यूटी पे पहुंचते हैं ओमपुरी जी, और वो मतलब एकदम धुत है नशे में, इज नॉट इवन एबल टू वॉक प्रॉपरली, तो वो पूरा एक थोड़ी सी लहर के साथ में चल रहे हैं लेकिन कंट्रोल करके कि मतलब पता नहीं चले। जो उनके सीनियर हैं शफी नामदार जिनका मतलब ने वो कैरेक्टर प्ले किया था, तो वो उन्हें बुलाते हैं वेलणकर, तो वो ऐसे टर्न करते हैं एकदम पूरा कंट्रोल करके अपने आप को, और वो धीरे धीरे चल के उनके पास आते हैं। तो ये जो सीन सिर्फ इतना ही जो वॉक थी ना, तुम नसीर साहब ने उनसे एक बार पूछा था कि ये तुमने सही में शराब पी के किया था क्या? अगर नसीर साहब को ऐसा लगा कि उन्होंने ये शराब पी के किया, यानी कि कितनी कितनी बड़ी ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अपने आप में, और वो आप अगर आप सीन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत ही ये तो बहुत छोटी सी चीज है फिल्म के अंदर, तो आप बहुत ही कमाल कमाल सीन्स आप देख सकते हैं। आपके सर बैकग्राउंड काफी इंटरेस्टिंग है इसमें बहुत सारी, जैसे आपने बताया आनंद है, फिल्मिस्तान है, तो आप थोड़ा सा बताइए क्या क्या कौन कौन सी फिल्मों को आपने शामिल किया यहाँ पे? यार बहुत सारी फिल्में, ये पूरा हॉल मूवीज से भरा हुआ है। जी सर, ये जो आपको दिखाई दे रही है सत्या, जी सर, पाथेर पांचाली, पान सिंह तोमर, फिल्मिस्तान, ये है शोले, ये है द बाइसिकल थीफ, ये मेरी फैमिली मैन, प्यासा, और इस तरफ है राम सिंह चार्ली जो हमने बनाई है नितिन ने और मैंने आफ्टर फिल्मिस्तान, जो हमने खुद लिखी थी और प्रोड्यूस की थी, और ये है नायकन तेवर मगन, मैं कमल हासन साहब का बहुत 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 ज्यादा बड़ा फैन हूँ और मतलब भक्त हूँ एकदम। और ये पड़ोसन, ये तो मनी हाइस्ट है, ये दरबान है, ये मेरी एक और जो मैंने काम किया है उसमें से जो मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है वो शॉशैंक रिडेम्पशन है, मुगले आजम, स्कैम, ये पूरा भरा हुआ है सर। इसको बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक अलग शो रखना पड़ेगा इसके लिए। आई लाइक ये आपका सिस्टम काफी अच्छा है कि अगर आपको कुछ भी रेकमेंड करना आपको सिर्फ अपनी दीवार पे देखना है एंड फाइव रेकमेंडेशन। मुझे ईरानियन सिनेमा बहुत ज्यादा पसंद है, चिल्ड्रन ऑफ हेवन और सेपरेशन तो बहुत ही कमाल, मेरी मतलब एकदम टॉप
फेवरेट्स में से एक, उन्हीं डायरेक्टर की जो सेल्स मैन जिसके लिए उनको दूसरी बार ऑस्कर मिला था, वो भी मुझे बहुत कमाल लगती है। वर्ल्ड सिनेमा में थोड़ी और आपकी कोई रिकमेंडेशन है कोई दूसरे कंट्री? मुझे मुझे अकीरा कुरोसावा आपकी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब एक कमाल की चीज होती थी, मतलब वो सिर्फ आर्ट हाउस या वैसा नहीं, सब उसमें बहुत सारी चीजें और उतनी एस्थेटिकली बनी हुई फिल्में होती थी और उतना ही उसमें मेहनत दिखाई देती थी, उतना ही क्राफ्ट पे काम होता था, उतने ही परफॉर्मेंसेस ब्रिलियंट होते थे, चाहे वो सेवन समुराई हो या मुझे उनकी एक फिल्म बहुत ज्यादा पसंद है वो है योजिम्बो। योजिम्बो जी जी बहुत जबरदस्त लगती है वो, और रशोमोन जो थी वो बहुत जबरदस्त, बट योजिम्बो मेरी उनकी सबसे फेवरेट फिल्म है। वो मैक्स मिकेलसन की जो एक फिल्म है द हंट, वो मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने ये मामी में देखी थी जिस साल हमारी फिल्मिस्तान भी मामी में दिखाई जा रही थी, शोकेस की गई थी, उस साल मैंने दो फिल्में देखी थी, एक अमोर और दहंत, दोनों ही मुझे बहुत पसंद आई थी। आप एक बार दूसरी साइड दिखा सकते हैं आपकी दीवार की, तो थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन आपको वहां से और मिल जाएंगी। इसमें पैरासाइट है, लगान है, सिटी लाइट्स है और हेरा फेरी है, देयर विल बी ब्लड। मुझे पीटी एंडरसन बहुत ज्यादा पसंद है जी जी, उनकी हर फिल्म जो है उनकी दूसरी फिल्म से अलग होती है जी। मतलब चाहे वो मास्टर हो या बूगी नाइट्स हो या फिर देयर विल बी ब्लड हो, दे आर ऑल सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पंच ड्रंक लव मुझे उनकी, वो मेरी उनकी फेवरेट फिल्म, और एडम सैंडलर ऐसा है मतलब जो आपने किसी और फिल्म में वैसा एडम सैंडलर देखा नहीं है, और इतनी ब्यूटीफुल यूनिक लव स्टोरी है वो, जरूर देखिएगा अगर नहीं देखी है आपने पंच ड्रंक लव। तो आप अभी मतलब फिल्मों के बीच ही बैठे हुए, तो ये काफी हाँ। मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये। तो सर चलिए कमल हासन सर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत उनको फॉलो करता हूँ। उनकी आप कुछ आपकी फेवरेट फिल्म्स बताइए जो आपको एज एन एक्टर एज ए डायरेक्टर उनकी पसंद हो। कमल हासन साहब को मैंने सबसे पहले देखा था बचपन में एक दूजे के लिए, राइट, और मैं तब से मैं बोले कि कौन है बंदा यार, बंदर की तरह मतलब उछलता कूदता है, डांस करता है तो जबरदस्त, एक्शन करता है तो, और मतलब इतना वर्सटाइल कोई कैसे हो सकता है। और फिर मैंने मतलब उनकी तमिल दूरदर्शन पर उस वक्त तमिल फिल्में आया करती थी आफ्टरनून में, संडे को और सैटरडे को, तो वो मैं जब भी कमल हासन साहब की कोई फिल्म आती थी तो मैं मतलब कभी मिस नहीं करता था, और वो सबटाइटल के साथ फिल्में देखता था, तो मेरी वो सबटाइटल की आदत बचपन से है। तो मुझे ऐसा करने की तकलीफ नहीं है। तो वो आदत मुझे कमल हासन साहब की वजह से पड़ी है जी। तो मैंने मेरी उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट फिल्म जो है वो नायकन है, वो मतलब मैं कितनी बार भी देख सकता हूँ। सदमा मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिल्म पसंद है, और देवर मगन, स्वाति मुद्यम जिस पर हिंदी में ईश्वर बनी थी, और सागर संगमम में जो उनका परफॉर्मेंस है, मतलब देयर आर सो मेनी गुना, और अप्पू राजा तो मतलब हम सब ने काफी एंजॉय किया था उस फिल्म को। एंड कमल हासन सर की अगर मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दूं तो उनकी कॉमेडीज मुझे काफी पसंद है, क्योंकि इतने वर्सेटाइल होने के बावजूद वो माइकल मदन कामराजन जी जी, अव्वई सन्मुगी, मतलब वो सब बहुत कॉमेडी में भी हीवल, मतलब वो तो वर्सेटाइल है खतरनाक जी। उनके एक फिल्म है मुंबई एक्सप्रेस जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, जो हमारे चैनल के को-फाउंडर है वैभव, उन्हें भी ये फिल्म बहुत पसंद है, एंड समहाउ ये मतलब बहुत ही रैंडम हमारा कनेक्शन बना कि ये एक अच्छा। फिल्म है कमल हासन की जो बहुत कम लोगों ने देखी है, बट हम दोनों को पसंद है। ये भी मतलब टिपिकल जिस तरह की उनकी कॉमेडीज होती है वैसी है, तो काफी अच्छी फिल्म है। अभी उनकी एक फिल्म आ रही है अगले हफ्ते नहीं, June 3rd को, विच इज कॉल्ड विक्रम, आपने देखा उसका ट्रेलर? मैं यार ब्रिलियंट, मतलब आई कांट वेट टू वॉच इट। काफी काफी बढ़िया, मैंने सिर्फ टीजर भी बहुत लोगों को ऐसी जितने लोग हैं सबको भेजा, जबरदस्त टीजर भी बहुत जबरदस्त। दूरदर्शन पे आपने कहा कि यू डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ रीजनल फिल्म्स, तो ऐसी कोई फिल्म्स हैं जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? कूड़े वेड़े करके एक मलयालम फिल्म मैंने देखी थी तभी, उस जमाने में, बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी वो, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो दीवार मतिलुक्कड़, हाँ ममूटी साहब की है वो भी, नायक्ट करके एक मलयालम फिल्म है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। अभी मुझे जस्ट ऐसी याद आया कि आप चाय पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे अभी थोड़ी देर पहले? मैं भी हाँ चाय पी, ग्रीन टी पी रहा था। तो आप ग्रीन टी मिकी माउस के कप में पी रहे थे, तो आपका क्या थोड़ा है एनिमेटेड फिल्म्स आपको पसंद है? बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो मैं मतलब मिस नहीं, अब जरा थोड़ा शूट शेड्यूल और वो सब के चक्कर में कुछ चीजें मिस हो जाती,
जैसे मैं अब तक एनकांटो अच्छे से देख नहीं पाया, लेकिन आई एम अ ह्यूज एनिमेशन फिल्म का, खतरनाक, टॉय स्टोरी, फाइंडिंग नीमो, इनसाइड आउट, सो मेनी अमेजिंग फिल्म्स। मुझे डम्बो बहुत पसंद है, बैम्बी बहुत पसंद है, कुंग फू पांडा मेरा मतलब एकदम फेवरेट, मैंने कम से कम 50 बार देखी होगी इसकी। तो आपको इंटरेस्ट आया कैसे एनिमेशन में, आप मतलब ऐसे ही आप देखते देखते हो गए या कुछ कोई उसका रीजन था? थैंकफुली मैंने जो पहली फिल्म देखी थी वो अच्छी थी और फिर मजा ही आ गया देखने में, कि ये तो अलग दुनिया है यार। और हमारे हिंदी फिल्मों में कभी यहाँ पे इंडियन, पूरे इंडियन सिनेमा में कहीं पे वो एनिमेशन बनता ही नहीं, तो उसकी कमी जो है वो फिर हम ढूंढते हैं दूसरी जगहों पर, और बाहर इतना अच्छा एनिमेशन बनता है। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो फिल्म, बहुत ही ज्यादा। सो मेनी अमेजिंग एनिमेशन फिल्म, डिस्पिकेबल मी ब्रिलियंट एनिमेशन है। आप एनिमे देखते हैं जो जापानीज? एनिमे नहीं देखता मैं, लेकिन मुझे देखना है। मैंने एनिमे बहुत मतलब नहीं के बराबर देखा है, बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट वॉचिंग एनिमे, शायद जल्दी ही देखूंगा। एनिमे में वही होता है कि इट्स स्टिल एनिमेशन बट वो बहुत डार्क सब्जेक्ट्स को भी एनिमे में काफी ट्रीट करते हैं, तो आई जैसे किल बिल में एक पोर्शन था एनिमे का, जी जी जी, वो बहुत जबरदस्त था वो जी। एंड इनफैक्ट सिंस आप कमल हासन फैन है, तो एक जैसे ट्रिविया मुझे पता चला था, जी जी जी, वो पोर्शन देख के लिए टैरेंटिनो ने किल बिल में यूज किया था, तो मतलब आप भी फॉलो करते हैं मतलब फिल्म ट्रिविया काफी? जी जी, अरे बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ मैं, वो मैंने कहा ना मैं फुल फिल्म दीवाना हूँ सर, मेरे डैड फिल्म जर्नलिस्ट थे, तो उस वजह से भी बचपन से मैं मतलब फिल्मी मैगजीन्स पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ हूँ मैं, वो सब फिल्मी मतलब स्कूल की किताबों से ज्यादा मैं मायापुरी, फिल्म फेयर, रंग भूमि ये सब पढ़ता था। आपने रिसेंटली अभी आप क्या देख रहे हैं? रिसेंटली यार मैं शूट कर रहा हूँ बुरी तरह से, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना है वो उसमें काम काम में ज्यादा बिजी हूँ तो देख नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन जो लास्ट मैंने देखा था वो भी इसी जो मैं अभी कर रहा हूँ उसके शुरू करने से जस्ट पहले, सीन्स फ्रॉम अ मैरिज, ये हॉटस्टार पर अवेलेबल है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट शो, आई वुड हाईली रिकमेंडेड टू एवरीबॉडी, इट्स एन अमेजिंग शो टू वॉच, बहुत ही कमाल। शोज में आपके फेवरेट शोज कौन से हैं? मेरे फेवरेट शोज हैं ब्रेकिंग बैड, मतलब मैंने कम से कम 4 बार 5 सीजन देख चुका हूँ, पहला शो ही मैंने वो देखा तो वो इतना हाई बेंचमार्क मैंने सेट किया, उसके बाद मतलब काफी अच्छे अच्छे बहुत अच्छी अच्छी सीरीज देखी है, बट वो ब्रेकिंग बैड एक पर्सनल कुछ एक उसके साथ में कनेक्शन है या क्या है पता नहीं। और मुझे मैड मैन बहुत पसंद है, ब्रेकिंग बैड का एक स्पिन ऑफ है बेटर कॉल सॉल, वो आप वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, अभी इस वक्त उसका फाइनल सीजन चल रहा है लेकिन मैं शूट कर रहा हूँ यार तो मैं देख नहीं पा रहा, मैं तड़प रहा हूँ वो देखने के लिए। तो ये हम थोड़ा फ्लेक्स करते हैं इस चैनल पे कि जो बेटर कॉल सॉयल और ब्रेकिंग बैड के को क्रिएटर है पीटर गोल्ड, उनको हम लाए थे फॉर अ गेस्ट एपिसोड, तो हाँ तो उन्होंने भी मतलब काफी उनकी रिकमेंडेशंस वगैरह शेयर की। ये तो काफी एक्टर्स करते आ रहे हैं कि दे राइट अ स्क्रिप्ट कीपिंग देमसेल्व्स इन द लीड, राइट? एंड अभी इस तरह के शोज भी बहुत सारे बन रहे हैं जहाँ पे जो क्रिएटर है वही खुद लीड प्ले करे, जैसे फ्लीबैक हो गया या अटलांटा हो गया, बहुत सारे ऐसे शोज भी हैं। तो आपका अभी कोई ऐसा इरादा है कि आप शोज में भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करें? हाँ, आई डेफिनेटली डू वॉन्ट टू राइट समथिंग फॉर माई सेल्फ, एंड मैं सोच रहा हूँ शायद कुछ मैंने एक दिमाग में जो चल रही है वो तकरीबन मैंने उसे फाइनल किया है अपने दिमाग में, जहन में अभी, लेकिन आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, कंटेंप्लेटिंग व्हेदर आई शुड गो अहेड विद दिस सब्जेक्ट और शुड आई लुक फॉर सम मोर। इस तरह की कोई शोज और मूवीज हैं आपकी फेवरेट जो जहां पे द क्रिएटर देमसेल्व्स आर प्लेइंग द लीड? हॉटस्टार का ही है वो, क्या वो जो असैसिन वाला है जो एक्टर बनना चाहते हैं, बैरी, बैरी मुझे बहुत पसंद है जी, बैरी बहुत जबरदस्त है। फ्लीबैग एज एन एक्टर, अभी थोड़ा आपके जर्नी के बारे में बात करते हैं कि वी हैव प्लेड वेरियस काइंड ऑफ रोल्स, जैसे सीरियस रोल्स भी हो गए, कॉमेडी बेस्ड रोल्स भी हो गए, तो एज एन एक्टर कौन सी वो आपकी फेवरेट फिल्म्स हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस को देख के आप कहते हैं कि इस तरह का मुझे कैरेक्टर प्ले करना है? अर्ध सत्य का जो नाम लिया था मैंने, ओमकारी साहब ने जो उसमें किया है, फर्श में जो नसीर साहब का परफॉर्मेंस है, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज हैं जो मुझे पसंद है, और मतलब जो इस वक्त दिमाग में जो आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। जी जी।
जैसे सत्या ने जो भिकू मात्रे का जो कैरेक्टर मनोज सर ने किया है, मतलब मुझे बहुत 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 पसंद है। राम सिंह चाली में जो कुमुद मिश्रा जी का परफॉर्मेंस है, मतलब उसमें जो दो तीन सीन उन्होंने किए हैं कि काश यार ये किरदार मैं कर पाता कभी। पान सिंह तोमर में जो इरफान साहब ने परफॉर्म किया है, मैंने क्या बताऊं। प्यासा में जो गुरुदत्त साहब की परफॉर्मेंस, नायकन में जो कमल हासन साहब ने किया है, वो जो एक जो वो एजिंग उनकी जिस इतनी मतलब ब्यूटीफुली वो मतलब वो एज हुए, मतलब वो इतना बिल्कुल भी नकली नहीं लगता है। वजन बढ़ाना, बाल पीछे से मुंडाना, पूरा जो जो उन्होंने उस रोल के लिए किया है वो बहुत ही मतलब ये तो खाली फिजिकल चीजें हो गई, लेकिन जो उनका परफॉर्मेंस है पूरा नायक में, वन ऑफ हिज बेस्ट मेरे हिसाब से वो मणिरत्नम की मेरी सबसे फेवरेट फिल्म। आपने भी मनोज सर के बारे में बात की इन अबाउट हिज वर्क इन सत्य, और आपने फिर फैमिली मैन में उनके साथ काम किया, तो कभी आपकी बात हुई भीकू मात्रे को लेके? अरे बात हुई, बहुत बार बात हुई। इनफैक्ट हम एक बार सेकंड सीजन का शूट भी कर रहे थे, तो उस वक्त चेन्नई में हमारा शूट चल रहा था और हम वापस लोकेशन से घर पर होटल जा रहे थे। थोड़ा लंबा रास्ता था, डेढ़ घंटे टाइप का कुछ था, तो हमने ऐसी सोचा कि चलो सत्या देखते हैं और तब हमने बैठ के साथ में सत्या देखी, तो वो मेरे लिए एक्सपीरियंस इतना, इट वॉज सो सररियल, आई वॉज वॉचिंग सत्या विद भिकू मात्रे और इतना मजा आया, मतलब सारे गाने हम भगा भगा के देखे थे, मतलब काफी सारे कुछ सीन्स, बट वो आज भी फिल्म इतनी फ्रेश है और आज भी इतनी ज्यादा आपको मतलब हिट करती है, कनेक्ट करती है, और जो परफॉर्मेंसेज है, जो टेकिंग है फिल्म की, मतलब आज भी ऐसा लगता है कि कल रिलीज हुई है ये फिल्म। इतनी कमाल फिल्म बनाई है राम गोपाल वर्मा साहब ने। म्यूजिक का आपके लाइफ में क्या रोल है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक लिसनिंग टू? म्यूजिक का मेरी लाइफ में रोल तो पता नहीं क्या, लेकिन मैं मतलब आई कांट लिव विदाउट इट, म्यूजिक तो मुझे पूरा टाइम चाहिए। तो सर ए आर रहमान सर के बारे में बताइए कुछ, लाइक योर फेवरेट एल्बम्स ऑफ हिज। ए आर रहमान साहब, एक तो मुझे रोजा के गाने बहुत पसंद हैं, ड्यूएट वो मेरे मतलब बहुत ही फेवरेट एल्बम्स में से एक। तिरड़ा तिरड़ा का म्यूजिक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दिलसे का एल्बम, मुझे पूरा एल्बम, एवरी सिंगल सॉन्ग इज अमेजिंग। एक और फिल्म है खुदी मुगम, उसके भी गाने मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये काफी आपने अंडररेटेड एल्बम्स बताए यार रहमान सर के, क्योंकि ड्यूएट इज वेरी लाइक, आई थिंक वो फिल्म शायद चली नहीं थी, बट फिल्म शायद चली नहीं थी लेकिन म्यूजिक बहुत सुपर हिट, म्यूजिक वाज नॉट अंडररेटेड एट ऑल, मतलब इट वाज अ सुपर हिट एल्बम पूरा। उसका एक गाना मुझे, मैं मतलब बहुत गाया करता था कॉलेज में, मैं कुछ लाइन सुना सकता हूँ आपको? जी 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 सुनाइए। उसमें वो विट्टू पोड़ू गाना था उसका, उस गाने का नाम தங்கமை தமிழ் கிள்ளை தட்டு பாடு சரக்கிறக்கத முறுக்கிறக்கத விட்டு போடு எத்தனை சபகல் கண்டும் எத்தனை எத்தனை பகை கண்டும் அத்தனையும் சூரம் காட்டி சுட்டு போடு விட்டு போடு மிட்டு போடு என் காய் கொடுத்த தமிழ் கிள்ளை தட்டு பாடு மிட்டு போடு ऐसा कुछ था मुझे कि मतलब कई सालों पहले से रटा था। एचपी बालसुब्रमण्यम जी का गाना, हाँ मैं उनका भी बहुत बड़ा फैन। हाँ, वही अभी पूछने वाला था आपको कि उनके कुछ फेवरेट गाने आपके, अगर आप बताएं। उनके फेवरेट गाने तो कितने सारे, मुझे एक वो फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक वो एक ही भूल शायद है, बेखुदी का बड़ा सहारा है, वरना दुनिया में क्या, बेखुदी का बड़ा सहारा है, ये गाना है जो मुझे उनका बहुत पसंद है, एसी बाला साहब का। कभी लिंकिंग रोड बहुत पसंद है पत्थर के फूल का, और उसी फिल्म का एक और गाना है सुन दिल रुबा, जो ज्यादा उस वक्त हिट नहीं हुआ था बट मुझे बहुत पसंद है वो गाना। आर डी बर्मन साहब का जो म्यूजिक है, मदन मोहन साहब का जो म्यूजिक है, सलील चौधरी साहब का जो म्यूजिक है, एस डी बर्मन, ये सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ए आर रहमान साहब, इलैया राजा साहब, मैं कितनी बार भी इनके गाने मतलब लूप पे लगा के सुन सकता हूँ। और गजलें सुनना मुझे बहुत पसंद है, मेहदी हसन साहब की, गुलाम अली साहब की, हरिहरन साहब की, जगजीत सिंह साहब की, कंप्लीटली देसी टेस्ट है मेरा म्यूजिक में। और मुझे अली सेठी बहुत ज्यादा पसंद है अभी करंट, उसमें बहुत बहुत ज्यादा अरिजीत सिंह और अली सेठी बहुत ज्यादा पसंद है। रफी साहब, किशोर कुमार साहब और मुकेश जी,
बहुत मतलब सोनू निगम मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही जबरदस्त है सोनू निगम जी। और किशोर तो मैं मतलब किशोर दा भक्त हूँ एकदम खतरनाक वाला। किशोर दा के कुछ मतलब ऐसे जो गाने आपकी फेवरेट हो वो अगर आप बताएं। मुझे उनका एक जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, आपकी कसम फिल्म का जो गाना है वो मेरा उनके बहुत ही फेवरेट सॉन्ग्स में से एक है। जीवन से भरी तेरी आंखें जो उनका जो उनके मस्ती वाले गाने हैं वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक चतुर नार करके सुनाया, या फिर एक गाना मैंने अभी सुना रिसेंटली जो मुझे बहुत मजा आया, कुएं में डूब के मर जाना मगर शादी मत करना, ऐसा एक गाना है। कुएं में डूब के मर जाना यार तुम शादी मत करना, ऐसे करके बहुत ही प्यारा गाना है। जब आप किसी गाने को पहली बार सुनते हैं तो आप उसकी ट्यून को ट्यून पे पहले ध्यान देते हैं या लिरिक्स पे ध्यान देते हैं? जब आप एक म्यूजिक सुनते हैं, गाना सुनते हैं, तो उसकी धुन ही आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करती है और फिर आप जो याद करना शुरू। मैं बहुत सारे गाने याद रखता हूँ, मुझे बहुत गाने याद रहते हैं क्योंकि मुझे गाना पसंद है इसलिए, तो बचपन से, तो उस वजह से मैं काफी वो, हम जब लंबी ट्रेन जर्नी में जाया करते थे गांव छुट्टियों में जर्नी की, तो उस वक्त मैं वो मुकेश के दर्द भरे नगमे और रफी साहब के सदाबहार गीत और किशोर कुमार के मस्ती वाले गीत, वो सब मैं पढ़ पढ़ के पूरी जर्नी निकालता था। तो मुझे मतलब गाने याद करने में मुझे मतलब बहुत याद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक तरीके से मेरा शौक है। धुन अगर कैची होती है और लिरिक्स भी काफी सिंपल होते हैं तो जल्दी से याद हो जाते हैं। वो भी मतलब ऐसे कैसे याद करना, जैसे मैं मतलब आप हिस्ट्री के लेसन याद करते थे उसी तरीके से रट्टा मार के ये भी रट्टा मार के याद करता हूँ। कोई ऐसे गाने हैं जिनका लिरिक्स आपने पहले ऐसे याद कर लिया बट बाद में आपको समझ में आया कि ये उस गाने का एक्चुअल मीनिंग था, कि बहुत ही डीपर कुछ और मीनिंग था? मतलब मोस्टली तो मुझे पहले ही समझ में आ गया होगा अगर डीपर मीनिंग होगा तो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गाना मैंने सुना है लेकिन उसका मीनिंग बाद में मुझे रियलाइज होता है कि नहीं नहीं ये नहीं वो था। जैसे एक गाना है, अभी आपने डीप वाली चीज बोली लेकिन मैं कुछ उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बता रहा हूँ। तोहफा फिल्म में जो गाना है, गोरी तेरे अंग अंग में रूप रंग के सजे हुए हैं कल से, तो मुझे पहले लगता था कि यस्टरडे से बोल रहा है वो कल से, लेकिन वो एक्चुअली कल से की बात कर रहा है, वो घड़ों की। तो वो मुझे बचपन में समझ में नहीं आया, मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि वो बोलता कल से, फिर जब बड़ा हुआ तो समझ में आया वो किन कलसों की बात कर रहा। किशोर कुमार जी पे थोड़ा वापस आना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ग्रेट सिंगर वो एक्ट भी करते थे, खुद फिल्में बनाते भी थे, डू यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम? मैंने कहा ना मैं तो किशोर दा भक्त हूँ, मैं मतलब एक तरीके से मैं एकलव्य हूँ उनका। जी जी, उनको देख देख के सीखा है, उनको सुन सुन के देख देख के जो भी सीखा है, तो मतलब कोशिश करता हूँ मैं, और मतलब मैंने बहुत उनको देखा है और सुना है, तो अगर कुछ आया है अगर आपको ऐसा लगता है तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और मैं उनको बहुत बड़ा कलाकार मानता हूँ, और वो सिर्फ एक्टर नहीं, सिंगर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, कंपोजर भी हैं, और डायरेक्ट भी किया है उन्होंने, लिखा भी है, तो सब इतनी सारी मतलब इतने सारे टैलेंट्स एक इकलौते इंसान के अंदर मतलब ऊपर वाले ने डाल दिए और वो भी इतने जबरदस्त लेवल वाले। कोई उनकी फिल्में हैं जो आपको आप रेकमेंड करना चाहेंगे? मुझे हाफ टिकट उनकी बहुत पसंद है। बहुत धमाल मजेदार मस्ती वाली फिल्म है वो, और पड़ोसन मुझे बहुत पसंद है, दूर गगन की छाँव में, जिसमें आपको उनका एक अलग रूप देखने मिलेगा जो उन्होंने डायरेक्ट भी किए थे। तो हमने अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले म्यूजिक के बारे में बात की एंड वी डिस्कवर्ड कि आपको गाने याद रहते हैं, क्या आपका पोएट्री में भी इंटरेस्ट है? लाइक डू यू रीड? हाँ, बहुत इंटरेस्ट है, आई लव रीडिंग पोएट्री, मुझे काफी भवानी प्रसाद मिश्र साहब, मिर्जा गालिब, फैज, सबके मैं बहुत पढ़ता हूँ, मुझे पोएट्री मतलब पढ़ने में और ऐसी कोट करने में मजा आता है। हमने पोएट्री पे तो टच किया और अभी मैगजीन्स की भी बात हो गई थोड़ी, तो आप बुक्स पढ़ते हैं? लाइक व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक रीडिंग? मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, मुझे बुक्स खरीदना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे किताबों की पूरी वो है, लेकिन मुझे वो भी किताबें भी मैं फिल्मों के बारे में ज्यादा पढ़ता हूँ, या तो मतलब किसी एक्टर की बायोपिक हो, मतलब बायोग्राफी हो, जैसे ये देखिए यहाँ पर
नहीं दिखता होगा शायद आपको जी चार्ल्स चैपलिन 1000 films to change your life, ये बहुत ही कमाल बुक है एंड गुडफेलास जिसपे गुडफेलास बेस्ड थी. अल्बर्ट कामू की एक बुक है द आउटसाइडर, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. एक डिसग्रेस है वो मुझे बहुत पसंद है. और अंत में प्रार्थना एक शॉर्ट स्टोरी है उदय प्रकाश जी की, बहुत ही कमाल लगती है मुझे वो कहानी. बहुत बहुत मतलब मेरी बहुत फेवरेट कहानी है इसे. तमस मैंने पढ़ी थी, तमस बहुत जबरदस्त किताब है किशन सामी साहब की, वो जरूर पढ़िएगा. मंटो और इसमत चुगताई की जितनी कहानियां हैं सब बहुत मतलब, अगर आपने मंटो नहीं पढ़ा है तो आज सबसे पहली फुर्सत में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो फिर मंटो से स्टार्ट कर लो. मैं मुझे असल में किसी दोस्त ने रेकमेंड किया था, मतलब यार अगर तुमको वो उर्दू ठीक करनी है ना, या उर्दू को थोड़ा निखारना है, या उर्दू को थोड़ा और अपने वो करना है, डेवलप करना है, तो मंटो कहानियां पढ़. तो मैंने तो उस हिसाब से किताब ली थी और वो पढ़ना जब मैंने शुरू किया, मतलब ये जो उर्दू से कुछ भी नहीं है, तो मतलब जो बात जो कह रहे हैं वो तो मतलब लाख दर्जे की बातें हैं मतलब. और आज भी उतनी ही रेलिवेंट है उनकी कहानियां, आज भी उतना ही इम्पैक्ट छोड़ती है, आज भी उनको पढ़ के आपको उतना ही मजा आता है. मतलब बहुत बहुत जबरदस्त है. सादत हसन मंटो साहब, प्रेमचंद जी, ईदगाह मेरी उनकी बहुत ही पसंदीदा कहानी है, गोदान, और एक घरवाली है इसमें चुपता है कि ये आप जरूर पढ़िएगा. कहीं पर उसका नाम लाजो होगा या कहीं पर घरवाली होगा, लेकिन वो कहानी जरूर पढ़िएगा. हाय, मैं शारिब हाशमी बोल रहा हूँ, और अगर आप लोगों को फिल्मों से प्यार है और सिनेमा आपकी रग रग में है, रोम रोम में है, कारपेट कारपेट में है, तो फिर आपको ये YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए. इसका नाम है चलचित्र टॉक्स. मैंने भी अभी इनके साथ में एक इंटरव्यू किया, मुझे भी बहुत मजा आया, और आपको भी आनंद आएगा अगर आप फिल्म दीवाने हैं. फिल्मों के बारे में, संगीत के बारे में, किताबों के बारे में, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा.